हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सुना है अपने पूर्वजों से कि हमें कभी भी गर्म तवे पर पानी नहीं डालना चाहिए? आपने कई लोगों को देखा होगा कि जब हम बर्तन साफ करते हैं या फिर काफ़ी लोग जो मजे मजे में उसकी जो आवाज़ साउंड सुनने के लिए गर्म गर्म तवे पर ही पानी डाल देते हैं। बट क्या आप जानते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गर्म तवे पर अगर आप पानी डालते हैं तो इससे आपको बहुत भारी नुकसान हो सकता है। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि रसोई में माँ लक्ष्मी का वास होता है, और यही वजह है कि पुराने समय में किचन में कुछ कामों को करने से मना करते आ रहे हैं। वास्तुशास्त्र में भी गर्म तवे पर पानी छिड़कना बहुत ही ज्यादा अशुभ माना गया है। इसीलिए दोस्तों, हमें कभी भी गर्म तवे पर पानी नहीं डालना चाहिए। काफी बुजुर्ग लोगों को आपने ये कहते हुए सुना भी होगा, है ना? तो हमें इन बातों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, हमें इन बातों को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। जैसे कि मान्यता के अनुसार हमारी रसोई में माता लक्ष्मी का वास होता है, और यही वजह है कि पुराने समय में कई सारे ऐसे काम होते थे जिनको किचन में करने से मना किया करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि तवे पर पानी क्यों नहीं डालना चाहिए, मतलब गर्म तवे पर। तो इससे क्या होता है कि अगर आप गर्म तवे पर पानी डालते हैं तो उससे जो आवाज़ें आती हैं उससे जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। साथ ही ये भी माना जाता है कि गर्म तवे पर पानी डालने से घर के किसी सदस्य की शादी में मूसलाधार वर्षा हो सकती है, या फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि घर के किसी सदस्य की तबीयत अचानक से बहुत ख़राब भी हो सकती है। तो ये रीज़न होते हैं जो हमारे धार्मिक शास्त्रों में बताया गया है। तो आपको जो है इन चीज़ों को तो थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा हम तवे को कहीं भी रख देते हैं, तवा रखने का एक सही जगह भी होती है, वो हमें जाननी बहुत ज़रूरी है। ऐसा माना जाता है कि तवा राहु का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए घर में जब भी तवे का इस्तेमाल किया जाए तो उसके बाद इसे साफ करने के बाद ही रखना चाहिए। कुछ लोग तवे का इस्तेमाल करने के बाद उसे ऐसे ही रख देते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में परेशानियाँ आ सकती हैं और आपकी कुंडली में राहु दोष भी उत्पन्न हो सकता है। तवे को हमेशा किचन में ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां किसी बाहरी व्यक्ति की नज़र तवे पर सीधी ना पड़े। भारतीय शास्त्रों की माने तो घर के सदस्यों के अलावा किसी बाहरी व्यक्ति की नज़र तवे पर नहीं पड़नी चाहिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखने वाली बात है, हर किसी को पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम नज़रअंदाज करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमेशा किसी न किसी परेशानी में घिरे ही रहते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखिए और अपने जीवन में आने वाली परेशानियों को आप दूर कर सकते हैं इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि नमक माँ लक्ष्मी का रूप होता है, इसलिए हमेशा रोटी बनाने से पहले तवे पर नमक का छिड़काव करना चाहिए। ऐसा करने से घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती है। इसके साथ ही नमक छिड़कने से तवा कीटाणु रहित हो जाता है। दोस्तों, ये तो हुई कुछ। इसके अलावा काफी लोगों को आपने देखा होगा कि तवे का इस्तेमाल करने के बाद तवे को हम उल्टा रख देते हैं या लिटाकर रख देते हैं। तो ऐसा नहीं रखना चाहिए, ऐसा करने से राहु दोष पड़ता है और हो सकता है कि आपके घर पर विभिन्न प्रकार की मुसीबतें आ जाएं। तो कभी भी तवे को उल्टा या लिटाकर नहीं रखना चाहिए। तो ये तो मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ से बहुत अच्छी जानकारी देखने को सुनने को मिली है। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ।